हाय, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक कुलश्रेष्ठ और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। कहानियाँ आम जीवन की, कहानियाँ आम जनजीवन की। प्यार और हिचकिचाहट के पिछले दो भागों में हमने जाना कि कैसे अंकित और हेमा मिले और कैसे उन लोगों में प्यार हुआ। आज हम जानेंगे कि किस तरह से रिश्ते सिर्फ एक बहुत कच्ची डोर से बंधे हैं। इतनी कच्ची डोर जिसको अब तक हमने समझा ही नहीं था। हम समझ ही नहीं पाए थे कि थोड़ी सी दूरी सब कुछ बिगाड़ के रख सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, प्यार और हिचकिचाहट भाग 3। वो पूरा दिन मेरा खराब गया। सुबह जब मैंने माँ से होली की यात्रा में जाने के लिए कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। मुझे लगा था शिवरात्रि की तरह ही हाल परमिशन मिल जाएगी, पर उन्होंने कहा कि नशा करके तमाम लड़के घूमते हैं वहाँ। ऐसे में एक सभ्य परिवार की लड़की का वहाँ होना क्या अच्छा लगता है। अब मैं माँ को कैसे समझाती कि आपकी बेटी को अगर किसी ने गलत निगाह से देखा भी ना, तो दरोगा जी उस एरिया को छावनी में तब्दील कर देंगे। पर कुछ ना कह पाने से खिन्न भिन्न मैं अपने कमरे में भाग गई और अंकित के तमाम कॉल्स और वीडियो कॉल्स नम आंखों से इग्नोर करती रही। वो फोटोज भेज रहे थे यात्रा के और मैं अपनी होली सूनी कर रही थी। आखिर कान्हा के बिन राधा की होली कैसी। व्हाट्सएप पर लाल मुंह की गुस्से वाली इमोजी में अंकित की नाराजगी साफ अंकित हो रही थी। उस पूरे दिन रोने के बाद मैं 4 बजे नहाकर अपने बाल सुखा रही थी कि तभी अंकित का वीडियो कॉल आ गया और उनके गुस्से का साक्षात्कार हुआ। कुछ मनाने पर चीज़ें नॉर्मल हुई। जब किसी से मिलने की आस हो और आप मन महसूस कर रह जाओ ना, तो बहुत खलता है। उस दिन रोज़ की तरह अमित ने शाम को ड्यूटी के लिए तैयार होकर अपनी फ़ोटो भेजी और मैंने भी किस वाली इमोजी भेजकर फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। शाम को उनकी ड्यूटी नागेश्वर मंदिर में लगी थी। वहाँ काफ़ी बड़े स्तर पर होली मिलन समारोह हो रहा था। वहाँ की चहल पहल रौनक दिखाने के लिए अंकित ने मुझे वीडियो कॉल किया और मैंने अचानक से बोला कि मैं आऊँ। अंकित बहुत खुश हो गए, बोले आ जाओ। मैंने माँ को बोला कि मैं नागेश्वर मंदिर जा रही हूँ। मैं और मेरी माँ उस दोनों ही उस टाइम एक ही सिचुएशन में थे। मेरी माँ इस गिल्ट में थी कि त्यौहार वाले दिन लड़की को दुखी कर दिया और मैं अंकित को डिसअपॉइंट करने के चक्कर में दुख गिल्ट में थी। तो मैंने तुरंत एक लाल कलर का लखनवी कढ़ाई वाला सूट पहना और स्नेहा और पलक को लेकर चल दी मंदिर। पर जैसे ही मैं मंदिर पहुंची ना, तभी अंकित को किसी अर्जेंट काम से वहां से जाना पड़ा और हमारी मुलाकात फिर अधूरी सी रह गई। तब मुझे समझ में आया कि आकांक्षाओं का पूरा ना होने वाली फीलिंग कितनी बुरी होती है। कितना तैयार होकर आई थी मैं, पर उन्होंने मुझे सुकून से देखा तक नहीं। क्यों पुलिस महकमे में इतना दबाव होता है। अंकित मुझे व्हाट्सएप पे समझा रहे थे कि ऑर्डर्स तो मानने ही पड़ते हैं, अनुशासन का विभाग है, सीनियर्स जाएंगे तो मुझे तो साथ जाना ही है। उनका कर्तव्य हमारे मिलाप के बीच में आ रहा था। फिर भी उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जल्दी मामला निपटा कर आता हूँ। तो उनसे मिलने की इस आस में मैंने मेरी सहेलियों को 6 बजे से लेकर और 9 बजे तक पूरे 3 घंटे वहाँ पर रोक के रखा, पर अंकित ना आ पाए। कुछ कुछ दिन होते हैं जब आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। उस दिन अंकित ने रात भर मुझे समझाया कि ऑर्डर्स आने पर जाना तो पड़ेगा ही, अचानक ट्रांसफ़र का ऑर्डर आया तो वहाँ भी जाना ही पड़ेगा।
तुम इसकी आदत डाल लो। पता नहीं अंकित की जुबान पर कैसी देवी सरस्वती विराजमान हो गई और कुछ ही दिन बाद उनका ट्रांसफर देवा थाना हो गया। थाना इंचार्ज बनाया गया था उन्हें। उस पूरे दिन मुझसे रोटी का एक निवाला तक ना निकला गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शरीर से आत्मा खींच रहा हो। न जाने कितनी बार खुद को थप्पड़ मार मार के मैंने देखा कि काश ये सपना हो, पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। एक तरफ प्रमोशन की खुशी भी थी और दूसरी ओर उनकी जाने का गम भी। आखिर ऐसी नौकरी का क्या फायदा जो आपको अपनों से दूर कर दे। खैर, दरोगा जी अब इंस्पेक्टर साहब हो गए थे और सूनी हो गई थी वो सुमित्रा की छत जहां मैं रोज उन्हें पाया करती थी। अगले दिन सुबह 5 बजे मैं माँ के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली। अरे वॉक तो बहाना था, बस उन्हें देखने का मन था, जी भर कर देखने का। और अंकित भी पैकिंग कंप्लीट कर चुके थे, उनकी गाड़ी उन्हें लेने आने ही वाली थी। मैं उस गली में माँ से थोड़ा पीछे चल रही थी ताकि निगाहें चुरा कर अंकित को देख सकूं। और गली के अंत तक अंकित मुझे अपनी निगाहों से छोड़ कर आए। मिलना इत्तेफाक था, बिछड़ना नसीब था। वो उतना दूर हो गया जितना करीब था। बहुत ज्यादा गंदी फीलिंग आई, लेकिन मैं उस फीलिंग से बाहर आना चाहती थी, उस तड़प से बाहर आना चाहती थी। मैंने अचानक से यूपीएससी का पेज खोला, एक स्पीड टेस्ट निकाला और उसे लगाने बैठ गई ताकि मेरे 2 घंटे 3 घंटे ऐसे ही निकल जाएं। अंकित जा चुके थे। मैं ना चाहते हुए भी उनके बारे में सोच रही थी। आपको पता है 100 में से मेरे उस दिन मात्र 4 नंबर आए। कोई भी सवाल हल ही नहीं हो रहा था मुझसे। धीरे धीरे चीजें थोड़ी नॉर्मल हुई, लेकिन बातें कम होती चली गई। अब कभी वो अपने थाने में व्यस्त होते थे, आखिर नई नई जिम्मेदारी थी, और मैं बचपना दिखा देती थी कि लौट आओ। अंकित मुझसे कहा करते थे कि तुम्हें मेरी प्रमोशन, मेरी खुशी, मेरी राज नहीं आ रही है। मैंने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश करी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी लड़ाइयां बढ़ती ही जा रही थी। फिर अचानक से एक दिन GGIC ग्राउंड में एक प्रोग्राम था। कुमार विश्वास आ रहे थे वहां पर। अंकित ने मुझे फोन किया और बोला कि GGIC ग्राउंड आ जाओ। मुझे भी अब तक कविताएं सुनने का शौक नहीं था, लेकिन हाँ, कुमार साहब भी बहाना थे अंकित जी से मिलाप के। तो मैं अपने छोटे भाई के साथ में चल दी उस GGIC ग्राउंड में। तो दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ इतनी ही। जानेंगे आगे कि GGIC ग्राउंड में जाने के बाद ऐसा क्या हुआ जिससे दोनों के जीवन में बहुत सारा बदलाव आया। तब तक के लिए, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो उसे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लें, तभी तो आपको भाग 4 की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। तो आप सुन रहे हैं मयंक कुलश्रेष्ठ को, जो कहानियाँ सुनाता है, कहानियाँ आम जीवन की, कहानियाँ आम जनजीवन की। थैंक यू।